यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नेशनल हाईवे नंबर एक पर बना बस्ताड़ा टोल प्लाजा एक बार फिर सुर्खियों में है। घरौंडा क्षेत्र को लगभग 3.5 वर्षों तक पूरी तरह से टोल फ्री रखने के बाद सोमा कंपनी ने स्थानीय वाहनों से भी टोल वसूलने का प्लान तैयार किया है। कंपनी ने फरमान जारी किया कि अब टोल में लोकल लोगों के लिए भी कोई छूट नहीं है। लोकल वाहन चालक 150 रुपए और 300 रुपए में मासिक पास उन्हें लेना पड़ेगा। टोल कंपनी के इस ऐलान से दर्जनों गांव के सैकड़ों वाहन चालकों को झटका लगा है। ऐसा लागू होने पर शहर के लोगों को विधायक, डीसी, एसपी व जिला प्रशासन से मिलने के लिए 150 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी। कंपनी के निर्णय से शहरवासियों में कंपनी के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहरवासियों को अपने कामों के लिए हर रोज करनाल जाना पड़ता है और कई बार तो एक दिन में कई कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। ऐसे में उनको हर बार टोल पार करने के लिए भारी भरकम टोल देना पड़ेगा। तो आपको बता दें, गांव वासी हैं उनमें रोष देखा जा सकता है कंपनी के खिलाफ, क्योंकि जो लोकल वाहन चालक हैं उन्हें तगड़ा झटका लग चुका है। झटका इस बात से लगा है क्योंकि लोकल जो लोग हैं उन्हें भी टोल प्लाजा पे कोई छूट नहीं मिलेगी। हालांकि उन्हें भारी भरकम रकम में पास बनवाना पड़ेगा, जिसके चलते जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो आवाजाही उस टोल प्लाजा से कर सके। तो कहीं ना कहीं गाँव के लोगों में इस चीज़ को लेकर रोष दिखाया जा रहा है और वो जिला प्रशासन से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनका विरोध जो है वो जाहिर है कि उनका विरोध कहीं ना कहीं सही है। सामाजिक संस्थाएं, जितना युवा बोलेगा मंच, और हम लोग अगर डीसी से मिलने जाएंगे तब 150 रुपये लगते हैं। हम किसी प्रशासन के तहत करनाल में सीएमसीटी में जाएंगे तब 150 रुपये, सारा ही काम करनाल में है। हम विधायक जी से मिलने जाएंगे तब 150 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? तो हम लोग तो जिस तरह से पहले सुविधा, वो सुविधा के तहत जाना चाहते हैं कि अगर 15 तारीख तक इन्होंने फैसला नहीं डाला टोल टैक्स वालों ने, तुरंत ही कार्रवाई। हम युवा बोलेगा मंच चाहे हमारे को वहाँ कार्रवाई अनशन करना पड़े, अगर कुछ अपने हम पीछे नहीं हटेंगे। कंपनी की तरफ से और जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनकी तरफ से एक वो निकाला गया, हमने एक नोटिस भी सब बूथ्स पे लगाया गया कि जो 15 तारीख तक जितने भी हम लोकल गाड़ियाँ जो भी एग्जाम हो रही हैं आसपास के गांवों की, वो आईडीज के बिहार पे हो रही हैं, आईडीज पे और आरसीज पे, तो वो सारी की सारी 15 तारीख तक अपना या तो लोग पास बनवाएं या तो उसके बाद किसी की भी एग्जामेशन नहीं होगी, जो भी टैरिफ होगा उसके हिसाब से हम उसको चार्ज करेंगे।